बांग्लादेश हैदराबाद तीसरे T20 पे बात शुरू करने से पहले मैं रतन टाटा पे एक मिनट बात करना चाहूंगा। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी इस दुनिया ने खोई है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में आप बचपन से सुन रहे होते हैं कि यार ये एक बंदा है जो देश के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए कुछ काम कर रहा है, और इसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और पता नहीं कितने घरों में इनकी वजह से रोटी बनती होगी, कितने लोगों को इन्होंने जॉब्स दी अपने कंट्री के लिए। ये वो काम करके गए हैं कि जब तक आप सोच सकते हैं कि आने वाले कई साल तक, आने वाले पता नहीं कितने सालों तक लोग मिसाल देंगे कि यार वो एक बंदा था जो मुल्क के लिए पता नहीं कितनी फील्ड्स में बहुत कुछ कर गया। इतने पौधे लगाए हैं रतन टाटा ने जिसका साया, जिसका फल इंडिया आने वाले कई साल खाएगा। जी तो जनाब, इंडिया की टीम ने रात को बांग्लादेश के अगेंस्ट जो क्रिकेट खेली है ना, ऐसा लगता है कि इंडिया ने T20 क्रिकेट का जो मतलब है वो बदल के रख दिया है, और अब इसको T20 नहीं बल्कि इसको इंडिया क्रिकेट बोला जाए ना कुछ गलत नहीं होगा यार। चक्के भाई, स्काई भाई, अनबिलीवेबल भाई, चक्के पे चका भाई। आज बांग्लादेशियों के भाई जनाजे निकले हैं हैदराबादी ग्राउंड के अंदर से भाई। हार्दिक पांड्या जो जो प्लेयर आया भाई, उसने भाई बांग्लादेशी प्लेयरों के जनाजे निकाले और मार मार के जुबन निकाल दिया भाई। एक इंग्लैंड ने फेंटा लगाया था पाकिस्तान का, 823 रन कर दिए और इतने रन कभी किसी ने नहीं किए, मतलब यानी बहुत अरसे बाद कोई इतने रन हुए। उसके बाद आज जो इंडिया ने किया है 297 फेंटा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को, और ऐसा ठोका है कि उनको पता लग गया कि भाई ये हमारी जो टीम है ये हल्की टीम नहीं है, यंग लड़के हैं लेकिन बहुत तगड़े हैं। संजू सैमसन ने आज 3 शॉट ऐसे मारे जो कोई भी आपसे बात नहीं बोलेगा, जिसकी मैं बोल सकता हूँ फोटोकॉपी थे वीरेंद्र सहवाग के, पिछले पांव पे जाके एक्स्ट्रा कवर पे जो छक्का मारा ना उसने, इसी तरह पे चौका मारा और फिर जो एक कट मारा है, वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दीजिए आज। उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव शॉटे खेलता है कोई पता नहीं चलता, रिलीज होने तक वो अपनी क्रीज में रहता है, जैसे एंड पे एंड तक बॉलर बॉल को रिलीज करता है उस टाइम वो मूव होता है, कभी ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है, कभी ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे मार देता है, कभी किधर मार देता है। अजीबोगरीब किस्म का वो प्लेयर आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और मारता तो था, अब 5-6 ने मारा तो गैंग हो गया जो हमारे साथ हुआ था। जस्टिस फॉर बांग्लादेश, इंडिया भाई साहब जिन्होंने 297 रन मार दिया भाई T20 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, मैचेस उठा के देख ले, पाकिस्तान में ओडीआई में नहीं इतनी दफा किया। संजू साहब क्या जनाजे निकले हैं भाई बांग्लादेशियों के हैदराबादी ग्राउंड के अंदर भाई, हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 297। सर देखें आज इंडिया ने प्रूव किया कि सर्टिफाइड फादर है क्रिकेट के अंदर, चाहे उनके आगे वर्ल्ड लेवल ले आओ, चाहे बांग्लादेश ले आओ, चाहे पाकिस्तान ले आओ भाई, जो मार मारी 111 रन, इमेजिन कर सकते हैं 5 पे 5 छक्के आपके पूरी टीम से 220 टेस्ट में बनते हैं भाई। सैमसन भाई क्या उठा उठा के छक्के मारे जा रहे हैं, 7 ओवर में वो 100 क्रॉस कर गए हुए थे, 11 ओवर में 180, वो उन्होंने ऐसे किया है कि चल यार फिर बांग्लादेश ने भी तो मैच खेलना है ना, वो 400 मारेंगे कह के खेलना ही नहीं है। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते, इंडिया T20 क्रिकेट का बाप का ये सबको पता चल चुका होगा, जिस तरह की इंडिया पिछले 1.5 साल में T20 खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट तो एक अलग चीज है, मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ, वनडे और टेस्ट जब होगा हम उसकी बात करते हैं, लेकिन इस टाइम T20 की बात कर रहा हूँ। T20 क्रिकेट में आपको इंटेंट चाहिए होता है, वो इंटेंट टीम इंडिया ने अगर टेस्ट में दिखा दिया तो ऑब्वियसली बात है वो T20 में पकड़ के किसी भी टीम का घंटा बजा देंगे, वो बाप है इस टाइम T20 क्रिकेट के, इस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप अपनी इंटेंट की वजह से जीते हैं। अगर इस टाइम T20 क्रिकेट में टीम इंडिया की मैं इस सक्सेस को देखूं इस, और दूसरी बात, हमारे एक दोस्त हैं टेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं, तो उनसे मैं छेड़छाड़ करता हूँ कभी, होता ना दिल चाहता है फोन करो दोस्तों में, तो मैंने बोला यार आज मैच देखा, तो किसका मैच था, मैंने इंडिया और बांग्लादेश, तो वो चुप हो गया, वो कुछ बोला नहीं, तो मैंने यार देखा, बोलता नहीं यार देखा नहीं, मैंने 297 करें सर, तो आगे से जुमला उसने पता क्या कहा, बोलता यार मेरे हिसाब से तो इंडिया के लिए ये रन कम है, मैंने इंडिया नहीं ये IPL 11 है, इसमें कोई भी नहीं खेल रहा है, जो अपकमिंग लड़के ना वो खेल रहे हैं। कौन मारता है इतना कि 20 ओवर्स में 297 रन, और सबको थोड़ा सा दुख ये रह गया कि यार 3 रन और बन जाते तो T20 में 300 रन दूसरी बार बनता, पहले नेपाल ने बनाया हुआ है और अब जो है वो इंडिया की टीम जो है बना लेती है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन इंडिया ने T20 का बना लिया है, और जो बैटिंग हो रही थी ना ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने कोई खिलौने हैं भाई, और किसी खिलौने के साथ जो है वो खेल रहे हैं इंडिया के बैटर्स। आपको पता है कि कल इंडिया ने एक जो है वो तारीख रकम की, एक बड़ा रिकॉर्ड जो आपने नाम किया
टेस्ट नेशन टीम है, उसके खिलाफ खुद भी एक टेस्ट नेशन टीम है, उन्होंने जो है बनाए 297 रन, जो कि अपने में एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। अभी तक इंटरनेशनल में हमने इस तरह के रन पहली बार बोर्ड पर देखे हैं, वो हुए थे नेपाल का जो भी मंगोलिया शंगोलिया, लेकिन वही बात है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा ना, हमें पता चला ना हमें कोई आइडिया हुआ। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने और बांग्लादेश का जो मैच था, ये तो स्पेशली हमने देखा, जिस तरह संजू सैमसन ने 5 छक्के मारे और सीधे सीधे ही मार दिए 5 छक्के, स्पिनर पता नहीं क्या घोल के बॉलिंग डाल रहा था कि कोई रिस्पेक्ट जो स्पिनर को नहीं दी गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 5 छक्के जो स्पिनर्स को मारे गए। कहने का मकसद यह कि इंडिया के स्पिनर्स जैसे अपने घर के अंदर, इंडिया के बैट्समैन जैसे ओपनर्स अपने घर के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जो ओपनर है T20 में नॉर्मली बाबर रिजवान ही ओपनिंग करते हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी कभी जिंदगी में ऐसी डोमिनेशन दिखा सकते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों? ये देखो पाकिस्तान में कल से यही चल रहा है, रात भर पाकिस्तान में जब ये आपको 9:15 तक ये बैटिंग जब देखी हमने, संजू की ब्रूटल किस्म की बैटिंग देखने को मिली, हार्दिक पांड्या की, रियान पारक के छक्के देखने को मिले, सूर्य कुमार यादव के चौके और छक्कों की रेनिंग बाउंड्री देखने को मिली, तो सबसे पहले सवाल माइंड में यही आया कि यार इंडियन क्रिकेट ठीक है बहुत आगे जा रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर दूसरे दिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, क्रिकेट को नया रिकॉर्ड दे देते हैं, रोहित शर्मा थे वो अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं कप्तानी में, सूर्य कुमार यादव अभी तक एक सीरीज अपनी कप्तानी में हारे नहीं है, बैक टू बैक सीरीज। सवाल यहां पर यह था कि क्या पाकिस्तान के जो ओपनर है बाबर रिजवान, जिनको हम बहुत हाईली रेट करते हैं पाकिस्तान में, कहा जाता है कि भाई इनसे बड़ा कोई ओपनर नहीं है, माशाल्लाह से 5 ओवर में जो पावर प्ले होती है 6 ओवर्स में 30-35 रन से बनाते हैं और फिर आगे से बोलते हैं भाई हमसे कोई बेहतर ओपनर नहीं है, अपने रन बनाते हैं, तो सवाल यहां पे पूछा जा रहा है और ये सवाल कौन पूछ रहा है, ये पाकिस्तानी फैंस पूछ रहे हैं सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई साहब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि जैसे संजू ओपनर है इंडिया का, उसने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इंडिया की तरफ से 40 गेंदों पे, रोहित शर्मा की 35 गेंदों की थी, सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई हमारे पास ऐसा जो बाबर रिजवान हमारे किंग कॉन्ग है तो भाई क्या ये दोनों जो है कभी जिंदगी में ऐसी इनिंग खेल सकते हैं, एक सूर्या की तरह खेल रहे हैं, रिजवान की बात होती है जी, सूर्या और रिजवान के दरमियान कंपटीशन बड़ा चलता था भाई, रैंकिंग उसके ऊपर है उसकी जा रही है, रिजवान और सूर्या बड़ा चलता था, तो भाई क्या रिजवान सूर्या की तरह खेल सकते हैं, और क्या बाबर आजम जिसमें संजू ने अपनी पहली सेंचुरी मारी है, संजू सैमसन ने मेडन सेंचुरी थी, और ना वो इंडियन टीम का रेगुलर पार्ट रहते हैं, कभी पंत होते हैं कभी ये होते हैं, अंदर आना बाहर जाना लगा रहता है, क्या संजू जैसी इनिंग बाबर आजम अपने कैरियर में इतने पीक पे भी गए डिक्लाइन भी आया, क्या बाबर आजम ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? तो सवालों के जो जवाब थे उसमें फैंस ये बात करते हैं कि भाई हकीकत यह है कि हमारे जितना भी हम प्यार कर ले बाबर आजम को, लेकिन रियलिटी यह है कि हमने जितना मर्जी उनको बड़ा किंग कॉन्ग बनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम साहब ऐसी संजू और सूर्या जैसी इनिंग ख्वाब में भी नहीं खेल सकते। नहीं बिल्कुल हकीकत है और मैं 100% जो है एग्री करता हूँ। देखो दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया के पास कैसे कैसे ओपनर्स आ गए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंग्लैंड को देखो, इंडिया के पास है बिल्कुल, फिर आप इंडिया को आप देख लो, संजू सैमसन को उन्होंने जो ओपनिंग में प्रमोट कर दिया और उन्होंने अनदेखे छक्के मारे, ऐसे छक्के छुड़ाए हैं कि बंदा कहे यार क्या ही बात है छक्कों की। पाकिस्तान वापसी से वापसी करी जा रहा है। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि T20 के अंदर स्पेशली बाबर रिजवान दोनों को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब T20 के अंदर पाकिस्तान को एक यंग लॉट जो उतारनी चाहिए, जो फैसले हो रहे हैं मोहम्मद आरिफ को जिस तरह कप्तान बनाने का सोचा जा रहा है, खबरें आ रही है, इस तरह के डिसीजन आने चाहिए, शादाब को अग्रेसिवली कप्तान बनाना चाहिए, अब अग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए राहुल साहब, अब डिफेंस खत्म कर देना। देखो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अलीम डार को अपना जो अंपायर है, अब वो उनको इंडिया वाले भी कहेंगे अनिल चौधरी अंपायर है, ऐसे ही है उनको भी सिलेक्शन कमेटी में डाल दो, आप हारने के बाद और मजाइका खेज काम कर रहे हो। फैंस ये सोच रहे हैं कि जब हम इस लोएस्ट पॉइंट पर पाकिस्तान क्रिकेट जाती जा रही है और जो क्रिकेट कवर करने वाले हैं, क्रिकेट को चाहने वाले हैं, आप सब देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन जो क्रिकेट को वो बहुत पसंद करते हैं, आप सब भी शदीद परेशान हैं कि पाकिस्तान टीम को आखिर हो क्या गया है, क्योंकि अब कहीं से वो कहते हैं ना सूरत नजर नहीं आती है, तदबीर नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है कि ये टीम आखिर उठेगी कैसे, किसको हराएंगे, हम बांग्लादेश को नहीं हरा सकते, हम चले इंग्लैंड तो बड़ी टीम थी, हम इससे पहले यूएसए से हार गए, तो क्या कीनिया से खेलना शुरू कर दें लोग कह रहे हैं, क्या नेपाल से खेलना पड़ेगा, ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिनकी लिटरली बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। बाबर आजम को टेस्ट की जो टीम है ना उससे ड्रॉप किया जा रहा है और ये जो अगला मैच पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड खेला जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से।